नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर आई है। एमपी में चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है। शिवराज कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। चुनाव निरस्ती का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। गवर्नर की मोहर के बाद प्रस्ताव चुनाव आयोग में जाएगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम की धारा अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले मिश्रा ने देश में बढ़ते कोविड 19 मामलों के बीच राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। मंत्री ने सीएम शिवराज चौहान से पंचायत चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया और कहा कि चुनाव लोगों के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरा निजी मत है कि पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि कई राज्यों और मध्य प्रदेश में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मुख्यमंत्री से पंचायत चुनाव स्थगित करने का आग्रह करूँगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में 6 जनवरी 28 जनवरी 16 फरवरी 2022 को होने थे। मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं का प्रस्ताव पारित किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।